नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 1,00,000 लाभार्थी बालिकाओं को PFMS के माध्यम से 358.3 करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के जरिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही अनाथ बच्चों की देखभाल की राह आसान हुई है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलने से स्नातक स्तर पर उनके प्रवेश के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत साल 2008-09 से 2016-17 तक योजना से वंचित रहने वाली 32,361 बालिकाओं को 15,000 की दर से लाभ दिए जाने की घोषणा उनके तरफ से विधानसभा में की गई थी, जिसकी भी पूर्ति कर दी गई है। बता दें कि इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, अपर सचिव एवं निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य के साथ ही अन्य विभागीय एवं संबंधित बैंक के अधिकारी उपस्थित रहे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।